कोई रोशन किताब उनके पास नहीं है हक़ से मुँह मोड़ते हैं और लोगों को ग्रह करने की कोशिश करते हैं इनके लिए दुनिया में रसवाई है चुनाच में इनकी रसवई जाहिर मुसलमानों के बाद जब मुसलमान इन पर गालिब गए गजबर में गजवा हुनैन में को शिकस्तें हुईं और नबी करीम वसलम एक दफ़ा एक माम से हजरत आपने फरमाई एक मकाम को छोड़ दिया इन्हीं लोगों के म सितम की बिना पर और फिर आप उसी मुकाम पर एक फाति से तशरीफ़ लें इन मक्तुलरमा में फाति मक्का बनकर तशरीफ लिया तो उस वक्त इनकी ज़ो और रसवाई देखने वाली पूरी कौम पूरे ये मंजर देख रहे थे कि नबी करीमल वज़्ज़त दी और इन लोगों को खार कर दिया व नजीक हुई योमत अज़ाबल हरीकियामत के दिन हमें इनामी ने आग का आजाद रखाएँगे में भी और रसई मैदान महाशर में जरिए होंगे फिर अल्लाह के गिरफ्तार होंगे इनके लिए नजात नहीं भी ये उसका बदला है तेरे हाथों ने आगे भेजा इनको से काफ़ी खिताब है कि तेरे हाथ ने आगे भेजा यानी जो अमल किए उसी का बदलाबारक आगे खुद बैन फरमाबीद और अल्लाह तंदों पर बहुत ज़्यादा नहीं करता तो अल्लाह ताला ने कोई के ऊपर नहीं किया अब ये मवालगे का सी इसका तर्जुमा यही है जो मैंने किया कि बहुत ज़्यादा नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जहन में है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं करता थोड़ा बहुत करता है नहीं बात ज़्यादा शेय की नफी होती है लेकिन उसके साथ करार नहीं होता है कि इस मकान पर है अल्लाह तला तो अपने बंदों पर कुछ नहीं करता जिसे और आयात में इस आया है लिहाज़ा अल्लाह ताली बरद क्यामत इन्हें इनके माल खोल कर दिखाएगा कि जिससे साबित हो जाएगा कि अल्लाह ने कोई इन पर जुल्म नहीं किया कोई ज्यादत नहीं की कोई ऐसा नहीं है कि छुपा ली हो और जान के इनके साथ एक गलत सुलू दिया जा रहा हो नादल्ला ना की तो ना ये मुता है ये किया जाएगा और हदीफ में है कि बास कु ऐसे भी होंगे कि जब उनके सामने उनका नाम अमाल रखा जाएगा तो साफ इनकार कर हमने तो ऐसा किया ही नहीं झूठ बोलेंगे उस वक्त अल्लाह तबारक इनकी जबानों पर मोहर लगा देगा मुंह पर मोहर लगा देगा मुंह बंद हो जाएंगे और इन आजा को हुक्म होगा तुम ऐसा हुआ कि नहीं हुआ अब वो गवाही दे। आँख बोलेगी हाथ बोलेंगे पैर जिस जिस उसे उस इन्होंने गुनाह किए खुद तो इसकी गवाही दे देंगे और ये भी मैं आज कर दूँ कि ये जो है कि मुँह बंद होकर उसकी गवाही देना आजा की गवाही देना ये काफिर और मुनाफिक के साथ खास है मुसलमान के साथ ऐसा नहीं होगा हमारे बेचारे जो कम मुकिन होते हैं दीन के काम करने वाले होते हैं ये बालत मुसलमानों को इस तरह डराते हैं देखें आप ऐसा ना करें ना फिर आपकी जबान बंद हो जाएगी और आप आज़ा गवाही देंगे सिर्फ काफिर और मुनाफिक के लिए बयान किया गया मुसलमान के साथ कभी ऐसा नहीं होगा मुसलमान अपने मुसलमान वहाँ जाके इनका करें मगर गुनहार भी है तो इन श्र करेगा अल्लाह तबारा ये रिवायत में नबी करीबाया कि मुसलमान अल्लाह के हाजिर होगा अल्लाह उसके सामने उसके गुनाहों को पेश करेगा कबीरा गुनाहों को और सगीरा गुनाहों को पेश कर फरमाएगा कि तू ने यह किया है ये किया है ये किया है ये किया है तो वार्स करेगा नब करीब मैंने सब किया तो अल्लाह तबारक वाल फरमाएगा इसके तमाम और अब होगा सरकार फराम मेरे तो कुछ बड़े गुनाह भी हैं ना वो अल्लाह तेज फरमाए खौफ जदा होगा तो अल्लाह उन गुनाहों को तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दो उसको दाखिल जन्नत कर दो यानी करम नवाजी फरमाएगा तो सरकार उसमें वो बंदा अचानक अल्लाह तेरे कुछ और गुना भी तो हैं वो कहाँ हैं यानी वो खुश होकर बोलेगा ताकि वो भी नकियों में बदल मुझे बहुत सारे और इनाम मिले तो करीम सहुत ज्यादा मुस्कुराए इतने आप आपकी हंसी निकली कि आपके दा लोगों ने देख ली और फरमाया कि अल्लाह तबारक बताओ उस वक्त अपनी शान के लायक दहक फरमाएगा शान के लायक मुस्कुराएगा इस तो बंदे की यह हालत देख कर कि पहले तो डर रहा था कि अल्लाह तला मेरे बड़े गुनाहों को ना जाहिर कर छोटे छोटे गुनाह हैं और बाद में ख़ुद ये कह रहा है कि बड़े गुनाह कहाँ गए अल्लाह की करम नवाजी उसकी रहमत देख कर वो अपने गुनाहों को सामने आने के लिए बेचैन हो गया तो मालूम ये हुआ कि मुसलमान इनका करेगा जबान बंद करने और फिर आजाही गवाही की जरूरत पेश आए काफिर होगा मुनाफिक हो क्योंकि यहाँ वो इसी तरह हरकतें कर मैदान माशर अपनी शरारत से बाज न आएंगे इसलिए हमारी तबलीग करने वाले तमाम लोगों से गुजारिश उनसे जो आवाम हैं और तबलीगर अंजाम दे रहे हैं कि आप लोगों को वही बात बताएँ जो आपने सीखी हो मुशत शुरुआत में पढ़ी हो उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं तो अगर आप जरा भी हलाको बर्बाद हो जाएंगे इसलिए तो हमूमन यही होता है कि कोशिश ये करनी चाहिए सीखें, साहिब इल्म हो, उसकी से आप सुने, हदीस सुने तो समझ भी आएगा बाद रुजू करते हैं और हाल कि वो जायज को जायज नाजायज़ को जायज अपने पास से बयान करते हैं इस तरह कौम को गुमराह कर देते हैं और बात ये अपने इस में इतने इतने सख्त हो हो चुके होते हैं और गलत हो तो तो करार दे देंगे अपनी तो हरकतें नहीं छोड़ेंगे तो इसलिए मतलब कोशिश करनी चाहिए तबलीग का काम सब कर सकते हैं हर मुसलमान को इसका है। कोई इनकार नहीं कर सकता कि करीम सिर्फ उलामा लमा के साथ तबलीग मखसूस नहीं कर दिया आवाम भी कर सकती है लेकिन आवाम के लिए कैद और पाबंदी है कि वो उतनी बात को जितना उन्होंने कहा है मुश्त किताबों में और लमा से मुस्त आलिम सुना, उसको आगे बयान करें अपने पास से बिल्कुल शराह नहीं करें अपने पास से कुरान की बिल्कुल तफसर ना बयान करें ज़रा भी करेंगे पता भी नहीं चलेगा और आप बहुत गलत किस्म का मामला करेंगे जैसे ये एक मिसाल दी बड़ो क्या का बंद हो जाना आज़ा का गवाही देना ये कुफ़ार और मुनाफिक के साथ खास है आप तस्वीर वगैरह उठा के पढ़े राज फ़खरुद्दीन राजी ने बहस तो के बाद ये साबित किया है कि ये कुफार और मुनाफिक अब जिस बेचारे ने तफसीर कबीर पढ़ी नहीं उर्दू की चंद तफस है वो भी मुक नहीं पढ़ता बल्कि ऐसी किताबें आम लेकर और वो तबलीग करना शुरू हो गया तो यकीन सी बात कि फिर जब वो इस किस्म की आयत बयान करेगा तो ये रहान की तरफ से नहीं होता गलत बात का ये इल्हाम बल्कि शैतानी बयान करते हैं एकदम शैतान जहन में डाले डराओ इनको तो फिर डराएगा और फिर डराते हुए आ, इसकी शरह के अंदर मुसलमानों को शामिल कर लेगा अब जो आयत या जो हदीस काफिरों के बारे में हो उसको मुसलमान पर आप शुरू कर दें ये गिरफ्त की बात होती है इसलिए तबलीग करें तो ज़रूर पहले अपनी तबलीग को ऐसा कर ले जैसा शरीयत पसंद करती है अगर आपने गलत बात बयान करके लोगों को नमाज की तरफ की तरफ माइल कर भी लिया ये कोई कमाल नहीं है बड़ोज तो आपके लिए तो गरीब ती है और अगर हम इसके इसकी दे दी जाए कि तो जी गलत बात बयान लोग लो नमाजी तो बन ना तो फिर माजा शख्स को इजाज़त हो नहीं झूठ बोलो खुद गलत बात बोलो नबी की तरफ झूठ मंसूब करो कुरान की तरफ झूठ मनसूब करो बस लोगों को दीन की तरफ माइल होना चाहिए वो हो रहे हैं ऐसा नहीं क्योंकि जब वो शख्स दीन तरफ की तरफ माइल वगैरह की बात सुनकर उसने इल्म सीख लिया आपका क्या इमेज उसकी नीचे में बनेगा कि यह तो बयान की थी वो तो अच्छा हुआ चलो अल्लाह ताली ने मुझे तौफीक दे दी तो आपसे बदल जाएगा तो आपका साथ छोड़ेगा तो साथ छोड़े छोड़े के बाहर गिरफ्त इलाही होना चाहिए एक आदमी को करते हुए वही बात बयान कि जो उस मुस्तरद किताब में पढ़ी हो और सुनी हो और बेनी ही बयान करे अपने पास मतलब ये कि फूल पूतियाँ ना लगाए अगर ऐसा करेगा तो अमूमन पैं वाकई हो जाती हैं

बस अगर उन्हें कोई भलाई पूछती है ये तो भी ही तो उससे मुतमिन हो जाते हैं चैन पैदा होता है सुकून मिलता है वह इन अफाबू और पहुंचे उन्हें फितन, कोई फितना इन कौला वज़ ही तो अपने मुंह के बल लट जाते हैं और आखरत दोनों सारा है जाले कामुबी यही है वाद नुकसान सच नुकसान चंद आराम के ग्रुप्स के बारे में नाज ये देहाती जो लोग थे ये मदीना मुन में आते थे इस्लाम कबूल करते थे इस्लाम कबूल करने के बाद अगर इनका कारोबार तरक्की कर जाता सेहतमंद हो जाते बेटे होते कहते इस्लाम बड़ा अच्छा मज़हब है मजबूत हो जाते थे अगर इनके यहाँ ऐसा होता कि घाटा हो जाता कारोबार तबाह हो गया कोई नुकसान हो गया नागरानी आफत आ गई लड़कियाँ पैदा हो गई बोलते ही बिल्कुल अच्छा मज़हब नहीं है और मदर में बाज़ मर्तद हो जाते हैं उनके बारे में ना, 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 नाजिल फरमाए के लोगों में से बाज़ वो हैं जो अल्लाह ताल की इबादत एक किनारे पर रह के करते हैं किनारे पर रहते हैं तो मतलब तौर पर वो ईमान करें ईमान राशि फिलकल नहीं कि वो मजबूत हो जाते हैं कि किनारे पर रह के मुकम्मल दाखिल नहीं होते इस्लामी तैयार के अंदर चुनाच भलाई मिलती है तो खुश होते हैं और अगर कोई फित आजमाइश उनकी तरफ तवज्जो होती है मिन बिल्ला को छोड़ बैठते हैं के सिवा ऐसे को पढ़ते हैं जो उनका जो ना तो ने कुछ जरार दे सकते हैं और कुछ नफ़ा दे सकते हैं ये मतलब बुतों की, की के कुफार में कुफार बुतों की आदत करते थे और हक बात है कि बुत है वो एक जान चीज है उसे हमने खुद अपने हाथों से बनाया हो बेजान चीज़ को तो हमारे लिए से हो सकती है अल्लाह तला ने इसका रमायाद यही है दूर गुमराही यानी बड़ी तग गुमराही है कि मुबतलाने के बाद इंसान को हक नजर नहीं आता दर्रकबरी ये ऐसी चीज़ों को पूछते हैं कि जिनसे नफे की तो से नफ़े के मुकाबले में नुकसान की तो ज़्यादा है यानी क्या है कि बुतों को पूजेगा करेगा उन्हें तो उस भी कुछ ना कुछ ली जाता है तो वह बुध की वजह से नहीं मिलता वो तो अल्लाह तक नाम नाजिल फरमाया लेकिन इसका नुकसान है उससे अक्सर गालिब होती है और बड़ौदी गरीब होगी जहाना होगा फिर दुनिया के अंदर रसवाई होती है तो लिहाजा लल्ला मजम्मत फरमाई कि ये बु वगैरह की पूजा ना की जाए क्योंकि इनका नुकसान ज़्यादा शदीद है बेशक ये क्या बुरा मौला है बेशक क्या ही बुरा है मौला वो देख। देख। जो है, ही मौला है क्या ही बुरे है। मौला हैं क्या ही बुरे बुरे हैं इससे मालूम हुआ कि मौला के जो है ये अल्लाह के साथ महसूस नहीं है इसे मौला, मौला तो चाहिए आपको कहता है मौला बोलते हैं जी हजरत कह दिया मौला बमा नहीं मौला बमा मददगार मुनिस गम सार पूरी करने वाला मोहब्बत के इजहार करने वाला ये मौला का इतना होता है तो इसलिए खुद कुरान से बुद्धों के, के लिए कि ये क्या ही बुरे मौला है तो इसका मतलब हुआ कि बुद्ध को मौला बात में कहा गया है लिहाजा लफ्ज मौला अल्लाह के साथ मखसूस कि आप मखलूक के साथ अगर

कुरान में आए और आगे आते रहेंगे जिन लोगों ने ईमान लाने के साथ की और उसके बाद नेक आमाल भी किए और मैं बारहा इसी तरफ आंदही कर देता हूँ बार करता हूँ सिर्फ ईमान लाना नहीं अल्लाह ताली के बाद ईमान लाने के बाद उसके तकाज़े पूरे करना भी ज़रूरी है ईमान के तकाज़े जब हम पूरे करने की तरफ आएंगे तो फिर नेक आमाल का इरतक भी करना होगा इनके लिए अल्लाह ने वादा फरमा लिया है कि जन्नतों में दाखिल करेगा और उसके नीचे नहीं बह रहे होंगे

पहले समझिए कि वो जब में आती थी, थी में तो बाद कहते तो हैं कि अगर नबी की है तो मदद तो नहीं करते क्यों तो इसको हमसे नहीं बचा इल्जाम लगाते हैं मारते हैं पीटते हैं पत्थर मारते हैं बुरा कहते हैं तंग करते हैं अगर बात इनका अल्लाह आते हैं तो उसकी क्यों नहीं करता उसने उस ने फरमाया जो यकीन करता है नहीं, नहीं मदद करेगा अल्लाह ताला इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वल आखिरती और आखरत में दुनिया इस तरह फरमाए आखरत में इस तरह के की बुलंदी सामान कर दे तो शख्स ये गुमान करता है ये यकीन करता है कि अल्लाह ताला हर इस सभी की मदद नहीं करेगा दुनिया और आखरत फल यम सब बिन तो उसे चाहिए कि करे आसमान की तरफ एक रस्सी को फिर अपने आप को पति दे ले फल यम फिर वो देखे दू मा ये ये जो उसने आ, ये जो मतलब जो कुछ इसने बहाना किया है जो ये दाव पे चल रहा है क्या बातों को जिसकी है मतलब कहने का ये है अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई कि जो ये कहते हैं कि अपने हाँ नहीं फरमाएगा तो वो अपनी आप कोशिश कर ले आप कोशिश क्या है कि रस्सी पर आप उसमें फांसी लटका लो ताकि क्योंकि मौत की, तो की आखिरी स्टेज है आदमी का वो मारा है कि जो ये समझते हैं कि अल्लाह अपने हबीब की मदद नहीं करेगा वो आखिरी सी कोशिश करके कर देख लें कि क्या का क्या कर सकते हैं अल्लाह ताला ज़रूर अपने हबीब की मदद करेगा अल्लाह ताला ज़रूर उन्हें मैदान अशर में इज़्ज़त अता फरमाएगा इंशाल्लाह इस पर हमारा काम जारी रहेगा वाखिर दावाना अनिल हम्द रब्बिल आलमीन